जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहन भाई जो हमें देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू शोरबा, और इसके लिए हम अब शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे तेल, तो अब ये हो जाएगा गरम। तो इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। ये पहले जाएगी ग्रीन इलायची 3-4, फिर जाएगी इसके बाद दो बड़ी इलायची तोड़ के डालेंगे इसमें, डालेंगे। उसके बाद जाएगा लौंग, 3-4 लौंग डाल देंगे, 3-4 ज्यादा नहीं। उसके बाद जाएगा जीरा 1 चुटकी। मैं नाप नाप के नहीं बनाती, अब थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, इंशाल्लाह।
अब इसके बाद हम डाल देंगे चिकन और अदरक लहसुन क्रश किया हुआ ना वो डाल देंगे, तो इसके बाद हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे ना। वीडियो बंद हो इसको पता ही नहीं चल रहा। गड्ढे में मिर्चियाँ डाल रहे हैं चाट वाली, जब ये इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी नमक मिर्च हल्दी थोड़ी देर इसको ना ऐसे ही
नहीं है ये, क्योंकि ढकना इसका टूट गया ना, इसके ऊपर कोई और ही ढकना चाहिए। अब इसको इस तरह का हो गया ना, तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा और इसको अच्छी तरह भून के ना, फिर मैं इसमें नमक मिर्च डालूंगी। क्योंकि मैं अपने घर के लिए जो बनाती हूँ ना, उसमें मैं कोई नाप नाप के नहीं चीज़ें डालती हूँ, जितना मेरा चिकन है मैं उसी हिसाब से जो आप जाएगी हल्दी। हल्दी चली गई, बंद करके तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी।